हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मैं आराधना मिश्रा हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आराधना फूड फ्लेवर में, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्रत में खाने के लिए नाश्ता, जो कि बहुत ही यूनिक और झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। और इसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे, जो कि सामान आपके घर पे अवेलेबल ही रहता है, तो इसी से हम आज बनाने वाले हैं। तो घर के सामानों से हम व्रत के लिए नाश्ता बना के रेडी करेंगे, और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और ये झटपट से बन के तैयार भी हो जाएगा। तो आप इसे व्रत, जब भी आपका व्रत हो उसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया है शकरकंदी और पपीता। हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, तो आप इसे अच्छे से वॉश कर लें, इसके बाद इसे ले लें। तो ये देख लीजिए, हमारा ये पपीता है और ये शकरकंदी है। तो फ्रेंड्स, इसे हम क्या करेंगे, पहले इसको रख देते हैं साइड में और हम इसे छील लेंगे। तो सबसे पहले हम शकरकंदी को छील लेते हैं। तो यहाँ पे शकरकंदी हमारी छिल चुकी है, इसको हम रख देते हैं साइड में, और ये पपीता ले लेते हैं, इसको भी हम अच्छे से छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत ही ताज़ा पपीता है, अभी जल्दी पेड़ से निकाला गया है, तो इससे ये इसमें से दूध ज़्यादा निकल रहा है। तो आप इस हिसाब से इसको धोने के बाद ही छीलें, जिससे कि आपके हाथों में चिपचिपा जो उसका तरल पदार्थ होता है वो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने पपीतों को भी छील के साइड में रख दिया है। अब हम ले लेंगे शकरकंदी और इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पपीता भी कद्दूकस हो चुका है, और हमने शकरकंदी को भी कद्दूकस कर लिया है। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को पहले कद्दूकस कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसके लच्छे निकल के आए हुए हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड में, चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हम गैस ऑन करेंगे, उस पर चढ़ा देंगे एक पतीला, पतीले में डाल देंगे हम 2 गिलास पानी। तो एक पपीते के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े गिलास पानी का यूज किया है। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन हटाएंगे और जो हमने कद्दूकस करके पपीता को रखा हुआ था हम इसमें डाल देते हैं। इसको डाल करके हम चम्मच की हेल्प से इसे प्रेस करते हुए इसको पानी में अच्छे से डिप कर देंगे पहले। तो आप सारे पपीते को इसी तरह से पानी में डिप कर दें, और इसके बाद इसको ढक करके गैस से नीचे उतार दें और इसे छोड़ दें। 5 या 6 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं, उतना काफ़ी रहेगा। इसके बाद वापस से हम गैस के पास आएंगे और उस पर रख देंगे कढ़ाही। कढ़ाही जब गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच जितना घी। घी मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो हम इसे डाल करके अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जो हमारा शकरकंद है वो 3 हिस्से तक पक चुका है। तो यहाँ पे हमारी शकरकंदी पूरी पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 बड़े गिलास दूध, और इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूध और शकरकंदी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने 1.5 बड़े चम्मच चीनी को यूज किया। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो जब तक हमारा शकरकंदी पक रहा है, तब तक हम इधर देख लेते हैं पपीते को। तो ये देखिए, इसको रखे हुए हमारा 5 मिनट तक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से पानी को प्रेस करते हुए दूसरे प्लेट में सारे पपीते को निकाल लें। तो फ्रेंड्स, इसे पानी में डालने से ये फायदा होता है कि जिससे कि जो दूध निकलता है पपीते का, जो चिपचिपा निकलता है तरल पदार्थ, वो बहुत कड़वा होता है। तो इससे जब आप डाल देंगे पानी में तो इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। तो ये डिश जो है बनाने में अच्छे से बनेगा भी, और इसे टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए हमने इसको पानी में डिप करके रखा था। अब इसको हमने निकाल लिया। इधर हम शकरकंदी को भी देख लेते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारी शकरकंदी जो है पक चुकी है। इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ काजू, आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल दें, वरना आप इसे स्क्रिप भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें सिर्फ शकरकंदी को तीन चीज़ों से बनाना था, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है शकरकंदी, चीनी और दूध, ये ज़रूरी है। बाकी आप जो आपका मन करे वो डाल दें। तो शकरकंदी खीर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और वापस से चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हमने जो पपीता उबाल करके रखा था तो हम उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए प्रेस करके पका लेंगे ऐसे। तो आप यहाँ पे जो है गैस की जो लो है उसको मीडियम रखें और इस तरह से चलाते हुए पकाते रहें, बीच बीच में इसको चेक करते रहें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पपीता को पकने देना है, इसके बाद इसमें ऐड कर देना है 1.5 चम्मच घी और इसे चलाते हुए सारे पपीते में घी को अच्छे से अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे पपीता और घी हमारा 3 मिनट तक पक चुका था, हमने इसे 3 मिनट तक पकाया था। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 गिलास दूध। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूध हमने थोड़ा सा ही डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जब पपीते में दूध डालो तो फट जाता है, तो इसीलिए हमने दूध इसमें इतना ही डाला है जिससे ये पपीता अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दूध हमारा फट ही चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच चीनी का यूज किया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी को कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पपीता जो है अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, तो हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, इसके बाद इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी इसे हम क्या करेंगे, अभी कुछ देर के लिए और पकाएंगे। तो पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं खोया, ये हमारा होममेड खोया है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमारा खोया चीनी सब मिक्स हो चुका है। तो इसे भी हमें सिर्फ 3 चीज़ों से बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पे पपीता, चीनी और दूध का यूज किया था। अगर आप यहाँ पे चाहें तो खोया को स्किप भी कर सकते हैं, तो हमारे पास खोया था इसलिए हमने डाल दिया, आपके पास ना हो तो आप इसे रहने दें। और इसके बाद यहाँ पपीता का हलवा भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो हम चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 बाउल, एक क्या 2 बाउल ले लेंगे, 2 डिश है तो हमारी 2 बाउल लगेगी। और पपीते को हम इसमें निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पपीता का हलवा हमारा कितना परफेक्ट बन के आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये ज़रा सा भी चिपचिपा नहीं है और कितना खिला खिला इसका लच्चा निकल के आया हुआ है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका पपीता का हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। और इधर हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं शकरकंदी खीर जो हमने बना के रखी थी। तो फ्रेंड्स आप इसे व्रत में ज़रूर बनाएं, इससे क्या होगा आपका पेट भी भर जाएगा और पूरे दिन आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, आपको थकान भी महसूस नहीं होगी और आप आराम से इसे बना भी लेंगे, ये इजीली बन भी जाता है। तो इस तरह से आप व्रत में इसे ज़रूर खाएं। इसके बाद हमने निकाल लिया है दोनों चीज़ों को बाउल में, इसके बाद हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको सजा देंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कटा हुआ बारीक बादाम डाल दिया है और इसके बाद हम थोड़े से काजू इस पर रख देंगे जिससे इसका थोड़ा लुक अच्छा है। और ये फ्रेंड्स खाने में जितना टेस्टी होता है उतना देखने में भी अच्छा है। तो आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लच्चे की तरह आपका खीर भी निकल के आएगा और लच्चे की तरह हलवा भी निकल के आएगा, क्योंकि देखिए ये देखिए कितना यूनिक हमारा हलवा बन के तैयार है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।